चल 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 चल। ए गाड़ी स्टार्ट कर। बिल्कुल अभी ऐसी अफरा तफरी मच रही होगी रोस्टर्स में, क्योंकि थाराबाई जोगिंदर का आ गया डिस्ट्रैक्ट, तो व्यूज जहां से मिले बटोर लो, कंटेंट आने तो जितना आ रहा है। और हाँ, मैं भी बिल्कुल उन्हीं में से एक हूँ। व्यूज की भूख सबके अंदर होती है, जैसे वैसे ही मेरे अंदर भी है, व्यूज सबको चाहिए। तो आज दोपहर में मैं अपने घर पे चुपचाप सो रहा था शाम के टाइम में, और तभी मेरे फोन में एक नोटिफिकेशन बजा और मेरे यार दोस्त का मेरे को मैसेज आ रहा था, भाई थारा भाई जोगिंदर का डिस्ट्रैक्ट तबाही आ गया। मैंने कहा भाई यूट्यूब पे तो तबाही मचने ही वाली है रोस्टर्स से, तो मैंने सोचा भाई इससे पहले दूसरे रोस्टर्स तबाही मचाएं, ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने देना। तो ये वीडियो जो है बिल्कुल रैंडम होने वाली है, क्योंकि जैसे ही मेरे को पता लगा डिस्ट्रैक्ट आ गया, मैं सुनते ही बिल्कुल यहाँ बैठ चुका हूँ और वीडियो बनाना शुरू कर दिया। ना कोई स्क्रिप्ट, ना कुछ, जो होगा रैंडम होगा। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई वीडियो को जज नहीं करेगा, अपना प्यार बनाए रखे। तो एक बार मैं पहले कह देता हूँ, थारा भाई जोगिंदर से हेट कोई नहीं है भाई, मैं रोस्टर हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। थारा भाई जोगिंदर भी कंटेंट के नाम पे अपना काम कर रहा है, ना उसको किसी से हेट है ना मुझे किसी से हेट है भाई, सिर्फ हम लोग अपना काम कर रहे हैं, इस वीडियो को एंटरटेनमेंट के लिए लो। डॉक्टर फ्लेम इन द फ्रेम गाइज, लेट्स पुट सम फ्लेम्स इन द वीडियो। अरे थारा भाई जोगिंदर, कौन सा डिस्ट्रैक्ट ऐसे शुरू होता है? ये डिस्ट्रैक्ट है, तेरे अंदर की हवस बाहर आ रही है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ गलत हो रहा है लड़का। और कितने भी रैपर हैं, 1 2 3 4 कान खोल के सुन ले इस वाले गाने को, हैंग होने वाली है पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री आज। बिल्कुल सही बात, इस बात से मैं बिल्कुल एग्री हूँ, हैंग होने वाली है पूरी हिप हॉप इंडस्ट्री भाई। इतना घटिया और वाहियात वायरस आएगा हिप हॉप इंडस्ट्री के अंदर, तो उसका हैंग होना तो भाई 100% श्योर है। पागल सांड भाई, कौन हराने की सोचेगा तुझे, तुझे आज तक अपना किसी ने कॉम्पिटिटर ही नहीं माना भाई, कोई क्यों हराना चाहेगा तेरी जैसी चीज को। और कह रहा है कोई मेरा कॉन्फिडेंस तोड़ नहीं पाया, भाई जिसे तू कॉन्फिडेंस बोल रहा है ना, उसे गलतफहमी बोलते हैं, बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है तू। और भाई नेक्स्ट लाइन तो अलग ही लेवल पे, अगला कह रहा है हिप हॉप में रेवोल्यूशन लाया। जोगिंदर भाई रेवोल्यूशन वर्ड का मतलब पहले गूगल पे सर्च कर लेना था, पता लग जाता है इसका मतलब क्या होता है। बोलने में अच्छा लगा तो गाने में ऐड कर दिया। अरे मेरे बाप, वे यार रैप के बीच में अगला प्रमोशन कर रहा है यार। अरे मेरे भाई जोगिंदर, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हैं भाई तेरे, इतने सारे बंदों के आगे बेइज्जती कराने का जिगरा कहाँ से लेके आ रहा है तू, और इन सब की नौकरी लगवा के रहेगा? मतलब पता है भाई को कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं साले सारे बेरोजगार हैं, इनके पास काम नहीं है कोई। तो आप लोगों का फेवरेट टाइम आ चुका है, टाइम फॉर राइमिंग गाइस। ये जो मीठा फल है ये खरबूजा है क्या, ये जो मीठा फल है ये खरबूजा है क्या, मैं जोगिंदर गानों के नाम पे हगे जा रहा है, आदमी के भेष में ढिंचक पूजा है क्या। अब इस लाइन में जोगिंदर ने डिस किया अब्दुल को, तो भाई जोगिंदर इस लाइन में मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छा काम किया, ये इसी के लायक हैं। पर एक लाइन पे तो मैं जरूर बोलूंगा भाई, जो तूने गाली वाली बात करी है। तो जोगिंदर का कहना है कि आजकल के बच्चे यूट्यूब चलाते हैं और वो यूट्यूब से इनके गाने सुन के गालियां देते हैं, तो जोगिंदर बहुत बड़ी गलत फहमी में है, वो इनके गाने सुन के गालियां नहीं देते, वो बच्चे जब तेरी शक्ल देख लेते हैं तो उनकी अपने आप गालियां निकल जाती हैं। इमोशनल टाइम, इन सालों ने यूट्यूब को सार्वजनिक शौचालय समझ लिया।
साला जिसका मन कर रहा आके हक के चला जा रहा है। और भाई सोचने वाली बात है, मैंने इस गाने के कमेंट्स पढ़े, भाई लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है ये। यार इसका तो एक ही मतलब है कि लोग जोगिंदर का इतना ज्यादा क्रिंज देख चुके हैं ना, अब सालों को ये भी पसंद आ रहा है। और भाई ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल सीरियस बात कर रहा हूँ। अब तुम टोनी कक्कड़ को ही ले लो, वो बंदा जब तक अपनी मर्जी से बाहर जाके दूसरे टाइप के गाने बना रहा था, तब तक हम उन गानों को इतना सपोर्ट कर रहे थे कि हद से ज्यादा 200 मिलियन व्यूज 300 मिलियन व्यूज। पर भाई जब वो अपनी पसंद के गाने और अच्छे गाने बना रहा है, उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। भाई तुम क्या देखना चाहते हो? यानी कि जब तक वो वैसे गाने बना रहा था तुम उसे जीप भर के ट्रोल कर रहे थे, पर अब जब वो अच्छे गाने बना रहा है तुम लोग उसे सपोर्ट नहीं कर रहे। यू आर राइट ब्रो। अरे जोगिंदर पूरा गाना गालियों का खिलाफ है, पर ये क्या था, क्या लेने की बात हो रही है यहाँ है? और फेम देने की बात देखो कर भी किसे रहा भाई, एमी वे होंठ निकावे क्या नाम लेते हुए? ये तो वही बात होगी कि आप समंदर में एक लोटा पानी डाल रहे हो और बोल रहे हो मैंने समंदर भर दिया। एक बंदा बच गया है, क्या नाम है उसका? पिंकी? अरे भाई इसने अब्दुल के नाम पे डिस निकाला, मेरे को बहुत खुशी थी कि यूट्यूबर्स की तरफ से थारा भाई जोगिंदर आ रहा है। फिर उसके बाद इसने एमिवे का नाम लिया, मुझे लगा चल कोई बात नहीं ले सकता है। पर भाई कृष्णा नहीं जोगिंदर भाई, सीरियसली भाई जोगिंदर ये बहुत गलत कर दिया भाई तूने। पर यार गलत भी क्या ही कर दिया, उन लोगों को फर्क ही नहीं पड़े, वो भाई ध्यान ही नहीं देंगे इतनी घटिया चीज पे। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही, पर जाते जाते एक राइमिंग जरूर मार के जाऊंगा। जोगिंदर क्रिंज से हटके कुछ अच्छा बना, जरा चला दिमाग के घोड़े। जोगिंदर क्रिंज से हटके कुछ अच्छा बना, जरा चला दिमाग के घोड़े। मुझे गाने बनाने से पहले लिरिक्स नहीं दिखते, अंधा क्या लगा। बस यार आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और यार मुझे पता लगा है कि यूट्यूब मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहा, तो भाई मेक श्योर कि आप लोगों ने बेल आइकन दबा लिया हो। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा लेना। फिर से कह रहा हूँ, मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन किसी को नहीं जा रही। पीस आउट।